लेट्स स्टार्ट। ठीक है, ये जो टॉपिक है ना जो आज हमें देखना है, ठीक है, दैट इज इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन मिरर। ठीक है, इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन मिरर, क्या मतलब है इस चीज का? इस चीज का मतलब ये है कि अगर ये एक स्ट्रेट लाइन मिरर एक्ट कर रही है, ठीक है, एंड ये हमारा एक पॉइंट है x1 by 1, तो अब खुद को शीशे के आगे, मिरर के आगे अज्यूम करो तुम खड़े हो, राइट। तो तुम्हारी जो इमेज बनती है वो जितना तुम शीशे से दूर होते हो, मिरर से जितना तुम्हारा डिस्टेंस होता है, उतना ही पीछे जाके इमेज का डिस्टेंस बनता है। यानी कि जितना तुम्हारा ये डिस्टेंस होगा, अपने आप को यहां पे इमेजिन करो, यहां पे तुम खड़े हो, जितना तुम्हारा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा मिरर से, उतना ही पीछे जाके तुम्हारी इमेज फॉर्म होगी। ये चीज क्लियर है? यस यस, बाकी यस, क्लियर है ना? राइट, तो ये कंसेप्ट हमारा यूज होगा बस, इसके अंदर और कुछ फंडा नहीं है। सबसे पहले स्पेशल केसेस देख लो। अगर ये पॉइंट है x कोमा y, तो x एक्सिस मिरर एक्ट कर रही है, राइट, उतना ही नीचे जाके इमेज फॉर्म होगा। तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा इमेज का? हाँ जी, वर्टिकल लाइन है, x तो सेम ही रहेगा, राइट, तो वाई क्या आ जाएगा? माइनस वाई, तो ये आ जाएगा एक्स कोमा माइनस वाई। हाँ जी, क्लियर हुआ? जैसे टू कोमा थ्री है तो इसका इमेज क्या आ जाएगा? टू कोमा माइनस थ्री, एक्स एक्सिस अगर मिरर एक्ट कर रहा है। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ बाकी को? यस, राइट। अच्छा, सेम चीज अगर वाई एक्सिस मिरर है, ये आया अगर एक्स एक्सिस मिरर एक्ट करेगा तो। अच्छा, अब अगर वाई एक्सिस मिरर एक्ट करेगा तो इधर ऐसे करके इमेज बनेगी, तो अब एक्स जो होगा वो एक्स नेगेटिव हो जाएगा, हाइट सेम रहेगी, यानी कि ये पॉइंट बन जाएगा माइनस एक्स कोमा वाई, बिल्कुल सही। अब ये इमेज आ जाएगा, ठीक है, y एक्सिस अगर मिरर एक्ट करेगा तो। हाँ जी, क्लियर है? प्लीज कंफर्म करो ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हुए? Yes, ये स्पेशल केसेस आए अगर मेरा x एक्सिस एंड y एक्सिस मिरर है। अब इन जनरल अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन मिरर है तो एक पॉइंट का इमेज कैसे निकालना है वो कंसेप्ट मैं डिस्कस करता हूं। पहले ये नोट कर लो, ये वाला स्पेशल केस नोट कर लो, शाबाश। अब ये वाला केस, ठीक है, इसका एग्जांपल लेके जाते हैं। मान लो ये मिरर है एंड मिरर की इक्वेशन है ठीक है x प्लस टू वाई इक्वल टू सेवन एंड पॉइंट है 1.1, ठीक है, जिसका हमें मिरर इमेज निकालना है। तो लेट से दिस पॉइंट इज पी, ये पॉइंट क्यू, ये पॉइंट आर, आर इमेज एक्ट करेगा, ठीक है। अब देखो इसका सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पॉइंट को, पॉइंट क्यू को ढूंढना, ठीक है। अब पॉइंट क्यू कैसे ढूंढेंगे? मिरर की जो इक्वेशन है और ये वाली जो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन आएगी, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमें पॉइंट क्यू मिलेगा। ये समझ में आया? यस, राइट। अब ये सोचो कि अगर मेरे को ये वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, पी क्यू लाइन की अगर मेरे को इक्वेशन निकालनी है, ठीक, तो अब एक चीज ध्यान से समझना कि इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए। एक लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए मेरे को? स्लोप एंड दो चीजें। सिर्फ स्लोप से नहीं इक्वेशन निकलेगी ना, क्या 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 चाहिए? स्लोप एंड एंगल। हाँ, क्या बोल रहे हो? स्लोप एंड, अरे एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए होता है? कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट कौन सा?
कौन सा कॉन्स्टेंट? स्लोप एंड पॉइंट चाहिए होता है केशव, कौन सा कॉन्स्टेंट? सर मैंने वो y इक्वल टू mx प्लस c सोच लिया तो, लेकिन c निकाल नहीं सकता ना तू यहां से। हमेशा याद रखो हमें स्टेडलैंड की इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, पॉइंट एंड स्लोप। तो स्लोप अगर m है, पॉइंट x1 y1 है, तो जाके इक्वेशन बनती है y माइनस y1 बाय x माइनस x1 इक्वल टू m। ये क्लियर हुआ केशव? यस सर, यस सर। ठीक है, तो अब देखो पॉइंट PQ का हमें पॉइंट पता जहां से वो लाइन पास कर रही है 1.1। अब इसकी स्लोप अगर मिल जाए मेरा काम चल जाएगा। अब ध्यान से चेक करो क्योंकि ये 90 डिग्री पे है PQ एंड मिरर है ना, तो मेरे को मिरर का स्लोप मालूम है यहां से। तो स्लोप ऑफ मिरर क्या है, यहां से स्लोप क्या आ रहा है इसका, बोलो जल्दी। माइनस वन बाय टू। माइनस वन। रक्षित, केशव, गुरकिरत, आदित्य, क्लियर है ये? यस सर, यस सर। ठीक है ना, तो रिप्लाई कर दिया करो यार प्लीज। ठीक है, तो इसका स्लोप अगर माइनस वन बाय टू है तो मेरे को बताओ PQ का स्लोप क्या आएगा, उसके परपेंडिकुलर लाइन है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? माइनस वन। माइनस वन है ना, तो मेरे को क्या मिला, माइनस हाफ इसका स्लोप और इसका m ले लो, दैट इज इक्वल टू माइनस वन। माइनस माइनस करो तो m की वैल्यू क्या आ गई, टू, यानी कि इसका स्लोप क्या होगा, टू। तो पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, तो PQ लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, y माइनस वन डिवाइडेड बाय x माइनस वन दैट इज इक्वल टू टू। तो y माइनस टू, सॉरी y माइनस वन दैट इज इक्वल टू टू एक्स माइनस टू, तो y इज इक्वल टू टू एक्स माइनस वन। हां जी प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ? Yes, sir. अब सबसे पहला स्टेप होता है इसकी इक्वेशन निकालना। सेकंड स्टेप क्या होता है, मिरर को एंड ये परपेंडिकुलर लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके P जो Q पॉइंट है वो फाइंड करना। ठीक है, तो इस इक्वेशन को एंड इसको, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करना। तो ये जो y की वैल्यू है ये इधर पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू ट्वाइस, सॉरी x प्लस ट्वाइस ऑफ y की वैल्यू 2x माइनस वन दैट इज इक्वल टू सेवन। तो 4x प्लस x 5x माइनस टू दैट इज इक्वल टू सेवन, 5x दैट इज इक्वल टू नाइन, तो x दैट इज इक्वल टू नाइन बाय फाइव। एक्स की वैल्यू आ गई, अब एक्स को इधर पुट करो तो वाई आ जाएगा, टू इंटू नाइन बाय फाइव माइनस वन, तो दैट इज एटीन बाय फाइव माइनस वन, एलसीएम लेके आ गया, एटीन माइनस फाइव बाय फाइव, तो दैट इज थर्टीन बाय फाइव। तो मेरा क्यू पॉइंट क्या बना, नाइन बाय फाइव कोमा थर्टीन बाय फाइव। हां जी यहां तक प्लीज कंफर्म करो, अगर कोई डाउट है तो बोलो। सबसे पहले परपेंडिकुलर की क्वेश्चन निकाली, फिर लाइन को एंड परपेंडिकुलर को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढ लिया। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को यूज करके हम इमेज का पॉइंट ढूंढेंगे, क्यों, क्योंकि देखो ये दोनों के दोनों इक्वल है, मतलब जो पॉइंट क्यू है वो पी एंड आर का मिड पॉइंट एक्ट करेगा। ठीक है, पॉइंट क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ P एंड R। हां जी प्लीज कंफर्म करो ये क्लियर हुआ? यस यस राइट। तो इसका मतलब ये है कि मान लो इसका x कोमा वाई है, तो x प्लस वन बाय टू जो होगा राइट वो इस पॉइंट का x आएगा, दैट इज नाइन बाय फाइव, एंड वन प्लस वाई बाय टू जो होगा वो इस पॉइंट का वाई आएगा, दैट इज थर्टीन बाय फाइव। टू मल्टीप्लाई किया तो एक्स प्लस वन दैट इज नाइन टू द एटीन बाय फाइव, वन को इधर लेके गए माइनस वन, तो एक्स की वैल्यू आ गई थर्टीन बाय फाइव। अब टू इधर गया तो वाई प्लस वन आया मेरा ट्वेंटी सिक्स बाय फाइव, वन इधर गया तो वाई आ गया ट्वेंटी सिक्स बाय फाइव माइनस वन, दैट इज ट्वेंटी थ्री बाय फाइव। तो मेरा पॉइंट क्या बन गया, 13 बाय फाइव कोमा 23 बाय फाइव, दैट इज द इमेज।
हाँ जी प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ यस राइट अच्छा आप ध्यान रखना ये जो पर्टिकुलर पॉइंट होता है जो सोर्स है जहां पर ऑब्जेक्ट खड़ा है जिसका इमेज निकालना है वहां से परपेंडिकुलर लाइन जब मिरर को टकराएगी इस पॉइंट को बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये स्कूल में एज इट इज टर्म यूज कर सकते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो जो पॉइंट क्यू हमने निकाला सबसे पहले दैट इज एक्स एंड वाई ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं ठीक है एंड ये जो चीज होती है इसको बोलते हैं इमेज। तो जो आर निकाला हमने ठीक है इसको बोलते हैं इमेज। हाँ जी क्लियर हुआ प्लीज कंफर्म करो यस सर। इस पूरे मेथड में किसी को कोई डाउट केशव रक्षित मैत्री ग्रेस गुरकिरत आदित्य कोई डाउट इसमें क्लियर है सर क्लियर है चलो नोट करो शाबाश। अब देखो जरा ये वाला कंसेप्ट अगर क्लियर है तुम्हें ठीक है तो ये क्वेश्चन करो जरा तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पॉइंट दे रखा है इसका इस मिरर ए में वाई इक्वल टू एक्स का मिरर इसके अंदर इमेज निकालना है ठीक है फाइंड इमेज ठीक है। सेकंड है कि ये सोर्स दे रखा है ये इमेज दे रखा है तो पी पॉइंट दे रखा है और आर पॉइंट दे रखा है और जो मिरर की इक्वेशन है मिरर की इक्वेशन निकालनी है। हाँ जी क्लियर हुआ क्वेश्चन क्वेश्चन क्लियर है सबको yes. ठीक है ट्राई करो जरा शाबाश देखो क्या करना है इसका। देखो पॉइंट है 2.1 एंड मिरर है y माइनस एक्स इक्वल टू जीरो ठीक है तो इसका ये लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो इसकी स्लोप पहले तो मिरर की स्लोप क्या आ रही है बताओ जरा इधर मिरर की स्लोप बताओ जल्दी इसकी स्लोप क्या है वन माइनस ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स तो कोफिशियंट ऑफ एक्स क्या माइनस वन तो माइनस ऑफ -1 डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ वाई दैट इज 1 तो दैट इज +1 तो अगर इसकी स्लोप 1 है तो इसकी स्लोप m ले लो तो m इंटू 1 दैट इज इक्वल टू -1 तो m की वैल्यू -1 यानी कि इसकी स्लोप जाएगी -1 तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी y -1 डिवाइडेड बाय x -2 दैट इज इक्वल टू -1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया y -1 इज इक्वल टू -x +2 x इधर गया 1 इधर गया तो x +y इज इक्वल टू 3 तो ये आ गई PQ की इक्वेशन। हाँ जी यहां तक अगर किसी को डाउट है तो बोलो प्लीज क्लियर है सर राइट रक्षित केशव गुरकिरत क्लियर है सर राइट अब ध्यान से देखो जरा Q पॉइंट क्या आएगा मिरर की इक्वेशन दैट इज y इक्वल टू x एड x प्लस y इज इक्वल टू 3 इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके तो मैंने y की जगह x इधर पुट कर दिया तो क्या बन गया जे x प्लस x दैट इज इक्वल टू 3 तो 2x इज इक्वल टू 3 तो x इज इक्वल टू 3/2। अब क्योंकि मेरा x और y बराबर है तो y इज इक्वल टू x इक्वल टू 3/2 तो यानी कि ये जो पॉइंट आया ये पॉइंट आया 3/2, 3/2। हाँ जी तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर 3/2, 3/2 आ रहा है इसमें कोई डाउट नो राइट। नाउ लेट्स से ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है आर दैट इज एक्स कोमा वाई तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्यों होगा तो एक्स प्लस 2/2 दैट इज इक्वल टू इस पॉइंट का एक्स दैट इज 3/2 एंड y प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू अगेन इस पॉइंट का y दैट इज 3/2 तो ये 2/2 कटा तो x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3 तो x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 3-1 दैट इज 2 तो पॉइंट आ गया 1.2 ठीक है तो ये मिरर इमेज क्या आ रहा है
वन कोमा टू. हाँ जी प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ. यस ग्रेस क्लियर हुआ. ये लाइन को कैसे यूज करना है? यस ठीक है ठीक है. सेकंड कर लिया सबने या करना अभी किसी का बचा है? चलो सेकंड देख लो. अभी सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये अगर सोर्स पॉइंट है दैट इज 5.7 जिसका मिरर इमेज निकालना है और ये मिरर इमेज है 3.4, तो इस तरीके से ये जो मिरर आएगा ये मिरर की इक्वेशन निकालनी है हमें. ठीक है अब ध्यान से देखो इन दोनों को यूज करके जो पहली बात तो मिड पॉइंट आएगा राइट वहां से मिरर पास करेगा. तो मिरर कहां से पास करेगा? इन दोनों का मिड पॉइंट क्या आ रहा है? 3 + 5/2 कोमा 7 + 4/2 तो दैट इज 8/2 4 11/2. हां जी प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ? यस सर. राइट अब इसका स्लोप और इसका स्लोप माइनस वन दोनों का प्रोडक्ट. तो इसका स्लोप क्या आ रहा है? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स. तो एम क्या आ रहा है? 7 - 4/5 - 3 दैट इज 7 में से 4 गए 3 5 में से 3 गए 2 तो इसका स्लोप आ गया 3/2. तो इसका स्लोप m ले लो. तो m इंटू 3/2 दैट इज -1. तो m की वैल्यू क्या आ गई? -2/3. तो मेरे को मिरर का पॉइंट पता चल गया जहां से वो पास करेगा, मिरर का स्लोप पता चल गया. तो इक्वेशन क्या आएगी मिरर की? y - y1 x - x1 दैट इज इक्वल टू स्लोप. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. वे डन. हां जी क्लियर हुआ? यस यस.